हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं बढ़िया होंगे। और फ्रेंड्स, आज की हमारी जो वीडियो है ये होने वाली है कार पे जो लगती है टेल लैंप, टेल लाइट कहते हैं जिसे, उसके ऊपर होने वाली है। तो आइए फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि हमने वो किस तरीके से इंस्टॉल करी है। और मैं आपको इंस्टॉलेशन का इसका जो है ईजिएस्ट वे बता दूंगा कि जिस तरीके से आप ईजिली कर सकते हैं। और ये मैंने कार लाइट जो है ऑनलाइन परचेज़ करी थी, आप देख रहे होंगे, ये दिख रही होगी आपको, ये जो टेल ये लगाई हुई है इसमें, ये पीछे जो स्ट्रिप लगी हुई है ये है फ्रेंड्स। तो ये मैंने जो है ऑनलाइन परचेस करी थी और ये अराउंड जो है 500 आपको मिल जाती है इजीली। और इसका जो है रात के समय काफ़ी अच्छा ग्लो आता है देखने में। मैं आपको नाइट में भी एक बार वीडियो इसकी दिखाऊंगा कि किस तरीके से दिखाई देता है यह। अभी हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से इसकी इंस्टॉलेशन की गई है। बहुत ही ईजी तरीका है, आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये दिया गया है इसका अडैप्टर, इसमें लगभग आपको सारी जानकारी मिल जाती हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है टेल बॉक्स लैंप कंट्रोलर, जिसमें कि आपको अलग अलग वायर दी गई हैं, ग्रीन है, वाइट है, येलो लेफ्ट और येलो राइट के लिए। और इसके अलावा जो है आपको रेड और ब्लैक मिल जाती है। अब मैं बता देता हूँ कलर कोडिंग का फ़र्क, मतलब क्या क्या है। जैसे कि आपकी ब्लू लाइट है, सॉरी ये ब्लैक और रेड है, ये दोनों ही जो है आपकी नेगेटिव, आप देख पा रहे होंगे वी नेगेटिव और वी पॉजिटिव, ये नेगेटिव और पॉजिटिव है। तो इस तरीके से ये मिल जाती हैं आपको। और साथ ही मैं आपको एक बार स्टैंड लगा देता हूँ थोड़ा सा। तो ये देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स आप, जो इसमें लाइट्स हैं उसके बारे में जो मैंने आपको बताया था इसके बारे में, कि इसमें जो दी गई हैं, देखिए आप, ये है जिसमें कि एक जो है आपकी जो ऊपर ग्रीन वाली है वो वाइट लैंप के लिए दी गई है। उसके अलावा जो है आपकी वाइट वाली जो है वो ब्रेक पे दी गई है, यानी कि आपको उसके ब्रेक वाले कनेक्शन पे लगाना होगा। और जो येलो लेफ्ट है उसे आपको लेफ्ट वाले इंडिकेटर पे कनेक्ट करना होगा, और जो येलो राइट है उसे आपको राइट वाले इंडिकेटर पे कनेक्ट करना होगा। सिंपल है फ्रेंड्स, बट थोड़ा सा इशू आता है जब हमें कार पे कनेक्टिविटी ढूंढनी पड़ती है इसकी, वो एक इशू है, बाकी अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है। और कनेक्ट करना भी बहुत इजी है इसे। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कलर कोडिंग यहाँ पे दिख रही है, एक इसमें एक्स्ट्रा वायर दी हुई है ब्लू की, इसका कोई यूज़ नहीं है, ये मैंने इसलिए अलग कर दी है, आप देख रहे होंगे बिल्कुल अलग पड़ी हुई है। और बाकी ये सारी वायर जो जैसे कि बताया मैंने आपको, जो आपकी ब्लैक और रेड है, ये दोनों ही जो है आपकी, इसको हटा देता हूँ एक बार, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। ब्लैक और रेड जो है इसमें, ये आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव है, ये मैंने यहाँ से दे दी थी अंदर से ही, ठीक है। इसके अलावा ये रेड और ग्रीन जो है वाइड लैंप के लिए, यानी कि आपके हाई बीम के लिए, तो ये जो है दोनों ही आपकी जो है रेड और ग्रीन, ये दोनों ही आपकी पॉजिटिव में लगेंगी, जो आपके रियर इंडिकेटर में आ रही है लाइट। इसके लिए कहीं आपको अलग से नहीं जाना है, पीछे ही कनेक्शन दिए होते हैं रियर इंडिकेटर के, वहीं पर आपको इसे कनेक्ट कर देना है। और ये रेड और ग्रीन जो है आप एक साथ लगा देंगे इसमें, ब्लैक जो है आप इसको ब्लैक के लिए, ब्लैक वाली जो है आप इसको नेगेटिव में लगा देंगे कार की ग्राउंडिंग में। इसके अलावा जो येलो दी गई है आप देख रहे होंगे, येलो मैंने इधर इंडिकेटर वाली लाइट पे लगा दी है, येलो वाली लाइट जो है। और इसके अलावा जो है जो इसकी ब्रेक लाइट थी उस पर मैंने जो है जो ब्रेक दबाने पे पेडल, ब्रेक पेडल दबाने पे काम करता है, उस पर मैंने वाइट वाली कनेक्ट कर दी है। तो ये कनेक्ट करके जो है इससे ब्रेक का काम चल गया है। अब फ्रेंड्स, एक तरफ तो मैंने सारे इंडिकेटर के कनेक्शन, इंडिकेटर वाले पॉइंट पर सारे कनेक्शन कर दिए हैं, अब बात आती है इसके जो राइट साइड वाला इंडिकेटर है उस पर काम करने की। तो उसके लिए फ्रेंड्स देखिए मैंने किस तरीके से किया है, एक जो येलो वायर जा रही है ये वायर मैंने यहाँ से निकाली है और इस जगह से घूमती हुई जा रही है, ये फ्रेंड्स देखिए इसके अंदर अंदर होते हुए पूरी, दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखिए पूरी इसके अंदर अंदर होते हुए जा रही है और ये जो है इधर आ गई, इस साइड मैंने जो है इसको इधर कनेक्ट किया हुआ है, इसके अंदर से ये खोल के इसके अंदर मैंने लगाया है इसको, और जो है यहाँ से मैंने इसको इस वाले कनेक्शन पे कनेक्ट किया हुआ है। देखिए ये आ रहा है आपका, यहाँ पे जो कनेक्शन है इस जगह पे जो है मैंने इसे कनेक्ट कर दिया है इसके, और इससे ये एक्टिव हो गई है। अब इसको कनेक्ट करने के बाद बिल्कुल ही इजी दिखता है, कोई ज़्यादा इशू नहीं है। ये मैंने फ्रेंड्स जो इंस्टॉल करी है अपने टाटा टियागो XZ में इंस्टॉल करी है, और रात के समय देखेंगे हम इसे कि किस तरीके से इसका व्यू हमारे को दिखाई देता है। और भी फ्रेंड्स इसके रिगार्डिंग कोई आपको जानकारी चाहिए हो, कनेक्टिविटी में कोई इशू आ रहा हो, तो ज़रूर से आप कमेंट बॉक्स में मुझे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझसे जान सकते हैं कि किस तरीके से इसकी कनेक्टिविटी हमने करनी है।
काफ़ी सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी इसके बारे पे। और अगर कोई और इशू आ रहा हो तो आप मुझसे भी ज़रूर से इसको लिए जो है आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा ताकि आपको दिक्कत ना हो किसी भी तरीके की। इंस्टॉलेशन काफ़ी ईजी है जहाँ तक मैंने नोटिस किया, इंस्टॉलेशन करने में मुझे किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आई। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं बहुत ही क्लीन है सेटअप, इसका कोई वो नहीं है। अब मैं इसको एक बार अंदर सही से अंदर फिट कर देता हूँ। तो लीजिए फ्रेंड्स ये मैंने पूरी तरह अंदर डाल दी है, और ये थोड़ा सा ब्लू वायर को बाहर छोड़ देता हूँ ताकि ये अंदर कहीं ग्राउंड पे कनेक्ट ना हो किसी के साथ। और इसके बाद मैं इसको फ्लिप बंद कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये है फ्रेंड्स इसका सेटअप, बहुत ही इजी सेटअप है। और ये वायर्स जो जा रही हैं, ये मैंने टेल लैम्प के लिए ये वाली वायर है ये मैंने यहाँ से निकाली है, और ये इसके बैक साइड से निकाल दी है। देखिए ये यहाँ से निकल गई है बाहर, यहाँ से बाहर निकल के टेल लैम्प पे लगा दी है, और टेल लैम्प पे कनेक्ट करके ये है इसकी टेल लैम्प की कनेक्टिविटी। बहुत ही क्लीन है, एक बार प्रेस कर देते हैं थोड़ा कहीं पे लूज ना रह जाए टेपिंग इसकी। डबल साइड टेप से आता है ये लगा हुआ। तो ये मैंने फ्रेंड्स कर दिया है, एक बार हम इसे ऑन करके और देख लेते हैं कि किस तरीके से ये दिखाई देती है लाइट हमारी दिन में। फिर एक बार मैं आपको रात के समय पर इसका सेटअप दिखा दूंगा फ्रेंड्स कि कैसा दिखाई देता है। चलिए इसे ऑन करते हैं एक बार। ये लीजिए फ्रेंड्स, देख रहे होंगे आप। एक बार मैं इसको इंडिकेटर से हटा देता हूँ, ये समय इंडिकेटर पे लगी हुई है। ये देखिए कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, ब्लू कलर की लाइट जल रही है। जिस समय हम इसमें ब्रेक दबाएंगे तो उस समय ये लाइट जो है रेड में कन्वर्ट हो जाएगी और रेड लाइट जल जाएगी। और जिस समय जो है हम इसको इंडिकेटर लेफ्ट या राइट देंगे ये उस तरफ को फ्लो करेगी, काफ़ी अच्छी दिखाई देती है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नाइट वाली वीडियो में, और अगर फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, और जो है अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें ताकि किसी ने अगर कार पे यह टेल लैंप इंस्टॉल करना हो तो उसे कन्वीनियंट रहे। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं नाइट वाली वीडियो। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से लाइट दिखाई देती है रात में। अब मैं इसमें जो है इंडिकेटर यूज़ करके देखता हूँ कि एक बार लेफ्ट में और फिर राइट में देखिए किस तरीके से फ्लो करती है लाइट। एक बार लेफ्ट में करना है इंडिकेटर ऊपर को, हाँ करो। ये देखिए फ्रेंड्स ये आपका लेफ्ट इंडिकेटर है, ये इस तरीके से वर्क करता है, फ्लैट करेगी लाइट एक तरफ को। अब इसको मैं राइट की तरफ करता हूँ, एक बार राइट करना। ये देखिए अब ये राइट की तरफ फ्लो कर रही है। तो ये काफ़ी अच्छा लगता है रात के समय पे, जो पीछे से गाड़ी आ रही होती है उसको काफ़ी फ़ायदा मिल जाता है इस चीज़ से इंडिकेटर का, और देखने में भी अच्छी लगती है। और एक बार मैं ब्रेक में भी दिखाता हूँ कि ब्रेक जब दबता है तो किस तरीके से होता है। एक बार इसे बंद करना और ब्रेक दबाना, बीच वाले जो है हाँ। ये देखिए ब्रेक जब दबाया तो किस तरीके से रेड होती है, एक बार फिर छोड़ के फिर दबाना। ये देखिए इस तरीके से दिखाई देती है। एक बार हम इसी प्रोसेस को जो है डिग्गी बंद कर लेते हैं इसकी, फिर देखते हैं कैसे दिखाई देता है। ये देख लीजिए डिग्गी बंद कर दिए मैंने, ब्रेक से पैर हटाना। ये देखिए फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से दिखाई देता है यहाँ पे, काफ़ी बेहतरीन दिखाई देता है। और एक बार इंडिकेटर ऑन करना लेफ्ट वाला। ये देखिए ये लेफ्ट इंडिकेटर है, कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। और इसी को मैं राइट इंडिकेटर में कन्वर्ट करते हैं तो राइट में करना। ये देखिए फ्रेंड्स ये राइट इंडिकेटर है। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से वर्क करती है लाइट, और काफ़ी अच्छी लगती है देखने में, दूर से पीछे से आने वाली गाड़ी को काफ़ी सुविधा हो जाती है इससे, और थोड़ा सा गाड़ी का लुक भी बढ़ जाता है पीछे से देखने में। अभी मैं लेके गया था गाड़ी तो काफ़ी अच्छा लग रहा था इसको ले जाने में। और फ्रेंड्स इससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप ज़रूर से मुझसे सवाल कर सकते हैं
कि कोई कनेक्शन है या कुछ और चीज़ आपको कुछ पूछनी है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर से पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स, जल्दी ही मैं एक गिव अवे अनाउंस करने वाला हूँ अपने इस चैनल पे, तो आप लोग तैयार रहिएगा उसके लिए भी। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे अनाउंस करूँगा मोस्ट प्रोबेबली। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।